नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सुपरस्टार ऋतिक रोशन सर के हालिया रिलीज फिल्म सुपर 30 के 3 दिन के अपडेटेड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हम अल्लू अर्जुन की नई रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कन्नाड़ा मूवी पहलवान की 2 बड़ी अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों इन दिनों सैंडलवुड यानी कि कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से अपने पीक पर है। और दोस्तों कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त हिंदी ऑडियंस को एक से बढ़कर एक फिल्में देने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले साल जहां कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें KGF जैसी शानदार फिल्म देखने को मिली थी और KGF को हिंदी दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था और उस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अच्छा कलेक्शन करके सुपरहिट भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार यानी कि 2019 में फिर से कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, वो भी डायरेक्ट हिंदी डब में। तो दोस्तों 2 फिल्मों में से पहली फिल्म है पहलवान, जिस फिल्म में किच्चा सुदीप और हमारे बॉलीवुड के एक्शन स्टार सुनील शेट्टी सर नजर आएंगे। वही दोस्तों दूसरी फिल्म है कुरुक्षेत्र, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे दर्शन सर। तो दोस्तों अगर अभी बात करें पहलवान फिल्म के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि इस फिल्म के गाने पूरे हिंदी में भी रिलीज हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का पहला हिंदी गाना रिलीज हो चुका है, जिस सॉन्ग का नाम है देखो आया पहलवान, और यह गाना आपको टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों गाना काफ़ी शानदार है और आप जितने भी म्यूजिक लवर हैं उनको यह सॉन्ग जरूर पसंद आएगा और इस फिल्म की जो बीट है वो काफ़ी दमदार है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी दूसरी अपडेट ये है कि इस फिल्म को अब हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जी स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको याद हो तो पिछले साल KGF को हिंदी वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया था एक्सल एंटरटेनमेंट यानी कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने, लेकिन दोस्तों इस बार पहलवान मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जी स्टूडियो। तो दोस्तों आपको बता दें जी स्टूडियो इस फिल्म को हिंदी वर्जन में इंडिया के अलावा भूटान और नेपाल में भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो दोस्तों जितने भी किच्चा सुदीप सर के नेपाल के फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि यह फिल्म नेपाल में भी डायरेक्ट हिंदी रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों फिल्म को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो बनी हुई है, लेकिन फिल्म की जो रिलीज डेट है वो अभी तक फाइनल नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें तो आ रही है कि पहलवान फिल्म को हिंदी वर्जन और तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा, मलयालम यानी कि 5 लैंग्वेज में रिलीज किया जाना है अगस्त के महीने में, लेकिन अगस्त में किस तारीख को रिलीज होगी ये अभी कन्फर्म नहीं है। तो आप देखते हैं दोस्तों ये फिल्म अगस्त में ही रिलीज होती है या फिर इस फिल्म की रिलीज डेट आगे और बढ़ जाती है। हालांकि इस फिल्म से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल पे बताता रहूंगा। वही दोस्तों अगली न्यूज है अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेकर। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अल्लू अर्जुन की लास्ट हिंदी रिलीज फिल्म थी ना पेरू सूर्या ना एलू इंडिया, जिस फिल्म को रिलीज हुए हिंदी वर्जन में लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन अल्लू अर्जुन के फैंस उनकी अगली हिंदी फिल्म का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इस वक्त अल्लू अर्जुन अपनी 3 नई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है, जिसमें से उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली है अगले साल संक्रांति के मौके पे। वही दोस्तों 2 और फिल्मों की शूटिंग चालू है जिनके रिलीज डेट तो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है और खास करके इंडियन फैंस और नेपाल के फैंस के लिए। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि अल्लू अर्जुन की एक फिल्म थी जिसका नाम था देसा मुद्रू, जिस फिल्म को हिंदी डबिंग में पहले ही रिलीज कर दिया गया था एक ज्वालामुखी फिल्म के नाम से, लेकिन दोस्तों अब उस फिल्म को रीडब करके, जी हाँ दोस्तों उस फिल्म को फिर से डब किया गया और फिल्म में कुछ एडिटिंग की गई है और इस फिल्म को वापस से 9 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है हिंदुस्तान और नेपाल में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये फिल्म पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आपने ये फिल्म यूट्यूब पे देख ली है तो आप इस फिल्म को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस फिल्म को यूट्यूब पे नहीं देखा और आप अल्लू अर्जुन को बड़े पर्दे पर देखना चाहते तो दोस्तों ये फिल्म 9 अगस्त को हिंदुस्तान के सभी सिनेमाघरों में यानी कि सेलेक्टेड सिनेमाघरों में रिलीज होगी और नेपाल में भी रिलीज होगी, तो आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुपर 30 के बारे में।
तो दोस्तों बात करें अगर सुपर 30 फिल्म के बारे में तो विकास बहल के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म सुपर 30 जिस फिल्म में नज़र आ रहे हैं बॉलीवुड के ग्रीक गुड यानी कि ऋतिक रोशन और साथ में हैं मृणाल ठाकुर पंकज त्रिपाठी और आदित्य श्रीवास्तव। दोस्तों बिहार के जाने माने गणित टीचर आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 3 दिन और दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया जो इस साल कई बड़े सुपरस्टार की फिल्म में नहीं कर पाई थी लेकिन सुपरस्टार ऋतिक रोशन के फिल्म ने वो करिश्मा कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों जब सुपर 30 का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो कई लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म एक ठंडी फिल्म होगी और बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाएगी लेकिन दोस्तों आपको बता दें आज के टाइम में समय बिल्कुल बदल चुका है और जो बॉलीवुड की ऑडियंस है वो भी बदल चुकी है। आज के टाइम में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती है जिस फिल्म के कंटेंट में दम हो और दोस्तों आपको बता दें सुपर 30 के कंटेंट में वो दम है जो इस साल आई किसी भी फिल्म के कंटेंट में नहीं था। जी हाँ दोस्तों फिल्म एक काफ़ी शानदार फिल्म है और ये फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और फिल्म को पब्लिक के तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और काफ़ी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाले दिन काफ़ी कम कलेक्शन किया था ऋतिक रोशन के स्टारडम के हिसाब से। हालांकि पहले दिन का कलेक्शन सही था लेकिन जो ऋतिक रोशन का स्टारडम है और जितने बड़े ऋतिक रोशन सुपरस्टार है उस हिसाब से ये फिल्म कलेक्शन नहीं कर पाई थी क्योंकि फिल्म का रिलीज होने के पहले उतना खासा बज नहीं बना था जिसके कारण फिल्म को ओपनिंग नहीं मिली। और खास वजह दोस्तों ये भी थी कि आज के टाइम में फिल्म को अगर अच्छी ओपनिंग चाहिए तो फिल्म का म्यूजिक पहले से सुपर हिट होना चाहिए लेकिन सुपर 30 के गाने उतने ज्यादा हिट नहीं हो पाए थे जिसके कारण सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ओपनिंग नहीं ली। लेकिन दोस्तों अच्छे कंटेंट की वजह से फिल्म ने दूसरे दिन और तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक गजब का जंप मारा और 2 दिनों में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया और फिल्म तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर तूफानी तरीके में चल रही है। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें सुपर 30 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों सुपर 30 फिल्म का बजट है 85 करोड़ रुपए, वही 25 करोड़ रुपए इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट है यानी कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी 110 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में तो फिल्म को हिंदुस्तान में 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन में रिलीज किया गया था और ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को मिली है 500 से भी ज्यादा स्क्रीन। अगर बात करें दोस्तों अब 3 दिन के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 83 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी, वही ग्रोस कलेक्शन पहले दिन रहा था 15 करोड़ का। अगर बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार जंप मारा और दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन आए 18 करोड़ 10 लाख रुपए। वही अगर बात करें तीसरे दिन की तो दोस्तों फिल्म को तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप मिला और फिल्म मॉर्निंग वाले शो से ही हाउसफुल गई और इवनिंग और नाइट वाले शोज भी इस फिल्म के पहले ही एडवांस बुक हो चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों फिल्म ने तीसरे दिन मॉर्निंग वाले शो तक ही लगभग 11 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली थी और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सुपर 30 फिल्म अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है 22 करोड़ का। इसी के साथ दोस्तों सुपर 30 फिल्म का जो 3 दिन का टोटल कलेक्शन हो रहा है इंडिया नेट वो हो चुका है 51 करोड़ 83 लाख रुपए का। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 3 दिन में हो रहा है 62 करोड़ का। अब अगर बात करें ओवरसीज मार्केट की तो दोस्तों 500 स्क्रीन में रिलीज हुई इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में लगभग 18 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया तो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन होता है 62 करोड़ रुपए, वही ओवरसीज मार्केट का ग्रोस कलेक्शन हुआ है 18 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों सुपर 30 फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 80 करोड़ रुपए का। आपको बता दूं दोस्तों फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में ही सुपर हिट हो चुकी है। वैसे अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इस फिल्म को देख के जरूर आए, ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बहुत कम बनती है क्योंकि आजकल बॉलीवुड में बनती है तो सिर्फ लव स्टोरी और कचरा टाइप की फिल्में, लेकिन जब सुपर 30 जैसी एक शानदार फिल्म बनके रिलीज होती है तो कुछ लोग उसे देखने नहीं जाते और फिर बाद में बॉलीवुड को ही ब्लेम करते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनाते। तो उन लोगों से यही कहूंगा कि भैया जब सुपर 30 जैसी एक शानदार और मास्टरपीस फिल्में बनती है तो इसे देखने जरूर जाए और ऐसी फिल्मों को सुपर हिट कराए ताकि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर है वो इस तरह से सुपर 30 जैसी अच्छी फिल्में और भी बॉलीवुड में आगे बनाते रहे। तो दोस्तों इस फिल्म को देख के जरूर आइएगा, ये फिल्म काफ़ी शानदार फिल्म है और 2019 की
अब तक की बेस्ट फिल्म है, तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो सुपर 30 फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।